एवरीवन, वेलकम बैक टू रिचार्ज मैनर। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वेज मेयो सैंडविच की रेसिपी, और ये बनता है बिल्कुल ही रॉ यानी कि कच्चा। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि गर्मियों का सीज़न आने वाला है, तो इसमें ठंडी ठंडी चीज़ें खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो और ये सैंडविच बहुत ही फटाफट बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो अगर अचानक से आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो आप उनको ये बनाकर खिला सकते हो। इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी रखकर आराम से भेज सकती हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमें किस तरीके से बनाना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो के नीचे इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिएगा, साथ ही बने बेल आइकन को क्लिक करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिएगा, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये वेजिटेबल्स, जिसमें हमने ली है गाजर, खीरा, और ये मैंने आधी छोटी पत्ता गोभी ली है। इसको मैं और आधे हिस्से में काटूंगी, यानी कि मैंने छोटी सी पत्ता गोभी का 1/4 पार्ट लिया है, और इसके बहुत पतले पतले शेड्स मुझे निकालने हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो आलू चिप्स कटर होता है उसको मैं ले रही हूँ और उससे मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो आप अभी देखोगे कितना ज़्यादा फाइन इसके लच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए कितने ज़्यादा बारीक हैं, जितना हम अगर चाकू वगैरह से काटेंगे तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसमें ग्रेट कर लें और इसको एक बोल में निकाल कर रख लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ही ग्रेट करेंगे जो गाजर हमने ली है। गाजर को हमने अच्छे तरीके से पील कर लिया था, वॉश कर लिया था, और इसके बाद इसको हम ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है खीरे की यानी क्यूकम्बर की, और इसको मैंने छील लिया है, वॉश कर लिया है, और इसके बाद इसके जो बीच के जो ये सीड्स हैं इनको हमें रिमूव कर देना है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ सकते हैं सैंडविच के अंदर। तो इसलिए मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं और इसको भी मैं ग्रेट कर लूँगी। तो तीनों वेजिटेबल्स मेरी तैयार हो चुकी हैं सैंडविच बनाने के लिए। इसके अंदर हमें अब बहुत ही थोड़ा सा नमक ऐड करना है, अगर आप नमक कम खाते हो तो बिल्कुल ही मत डालिए। और इसके बाद यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर लिया है, दरदरी पिसी हुई, और फिर मैं वेज मेयोनीज ले रही हूँ। इसको मैं 3 टेबलस्पून इसमें डालूंगी, या फिर जितनी भी आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं बस उसको हमें बाइंड करने के लिए मेयोनीज की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा मेयोनीज हो जाने की वजह से सैंडविच के अंदर ये अच्छे तरीके से रुक नहीं पाएगी। जब भी कोई खाने की कोशिश करेगा या बनाओगे तो वो बाहर निकल आएगा। तो फिलिंग हमारी हो चुकी है रेडी। अब यहाँ पर मैंने ले ली है 4 पीस वाइट ब्रेड, और इसके जो एजेस हैं इनको हमें रिमूव कर देना है। तो एक शार्प नाइफ की हेल्प से हम इसके एजेस रिमूव कर देंगे। तो सारी ब्रेड्स इसी तरीके से तैयार करके हमें रख लेनी है, और इसके बाद हमें कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो केचप, और साथ में हमें चाहिए होगा बटर। तो सबसे पहले हम जो ब्रेड्स का ये अंदर का साइड होगा जहाँ पर हम फिलिंग को स्टफ़ करेंगे, वहाँ पर हम बटर को लगा लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो हमारा सैंडविच है ये सॉगी ना हो। और ऐसा करने से आप इस सैंडविच को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हो, जिससे कि वो गीला नहीं होएगा। अब ब्रेड की एक स्लाइस पर हम चिली सॉस लगाएंगे और दूसरी स्लाइस पर हम लगाएंगे टमाटो केचप। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप दोनों साइड टमाटो केचप लगा सकते हो। इसके बाद एक स्पून लेकर हम इसके अंदर फिलिंग को भरेंगे। इतनी ज़्यादा फिलिंग मत स्टफ़ करिएगा कि वो बाहर निकल जाए। तो बस इस तरीके से हम इसको लगाकर बंद कर देंगे, और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप नमक कम खाते हो तो आप इसमें पहले फिलिंग में नमक ऐड मत करिएगा, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। सैंडविच को आप अपने मनचाहे शेप में कट करके इसको सर्व कर सकते हो किसी भी टमाटो केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करिएगा, वरना आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। फिर मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।